पहाड़ से मत डरो, डर के आगे बढ़ो। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। ओपन योर आईज टू इनफिनिट पॉसिबिलिटीज, टेक कंट्रोल, डोमिनेट, फ्लाई हाई। द चॉइसेस, द मूव्स आर योर्स एंड योर्स अलोन। Power through every second. You're invincible. You call the shots. You make the moves. सचिन, रिजेक्शन यार, इतना 12 साल में इतना रिजेक्शन मिला आपको, कैसे हैंडल किया यार तूने रिजेक्शन? इतना जबरदस्त रिजेक्शन कि मतलब सवेरे तैयार होना, सबसे पहले तो लुक, अब वर्कआउट करना, उसके बाद प्रॉपर डाइट लेना, अच्छा वो भी तुम घर पे नहीं हो, तुम हो मुंबई में अपने एक अलग फ्लैट लेके रह रहे हो, ऑडिशन की प्लेस पे जाना, फिर वहां पर जाने के बाद 50 लोग बाहर खड़े हैं, उनमें से अपना नंबर लगना, शुरुआती तौर पे तो वैसा ही हुआ होगा, बाद में खैर अभी तो ऐसा है कि डायरेक्ट पूछते होंगे कि सर आप फ्री है तो बोलिए। तो क्या चीज थी सचिन जिसने तुम्हें तुम्हारी उम्मीद को खत्म नहीं होने दिया? क्या ऐसा अंदर था तुम्हारे कि नहीं मैं काम करते ही रहूंगा यार, मैं रुकूंगा नहीं इतना रिजेक्शन फेस करके? क्योंकि 12 साल से देख रहा हूं मैं, काम भी दबा के किया है, बहुत अच्छा काम किया है, और रिजेक्शन भी तगड़ा फेस किया है, तो क्या चीज थी जिसने रोक के रखा आज तक और यहां से आगे भी? रियलिटी कहा जाए तो मैं इसमें एक एडवांस चीज में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने तो मेरा पूरा सफर देखा है और आपने पूरा सफर मेरा जाना भी है, और आपको एक एक चीज पता है मेरे बारे में, बट आपको पता है, बट आपके सब्सक्राइबर, आपको आपके साथ हमारे साथ जो जुड़ने वाले उनको पता नहीं है। मैं एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, बात यह है कि जितना मेरा 12 साल में मैंने जितना तगड़ा काम किया है उतना ही तगड़ा रिजेक्शन हुआ है, ये तो बात सही है, बट जितना ज्यादा सेलेक्ट हुआ है उससे 10 गुना रिजेक्ट हुआ है, मैं ये बोल सकता हूँ। अरे बाप, क्योंकि इतना रिजेक्ट हुआ है लाइफ में, जैसे कि मुझे, मैंने जैसे 100 काम किए तो 100 ही रिजेक्ट नहीं हुए ना, मेरे 8000 रिजेक्ट हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 100 सेलेक्ट हुए, मैं 100 ही काम कर चुका हूँ, बाकी 8000-9000 मैंने ऑडिशन दे चुका हूँ, तो 9000 बार मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। तो उसका स्टार्टिंग के दौरान मुझे थोड़ा रोना आता था, आंखों के अंदर थोड़ा पानी रहता था, मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, उस टाइम का थोड़ा सा अलग ही थोड़ा सा डिप्रेशन था, अलग ही उस टाइम का डिप्रेशन जब नया नया था तो अलग ही थोड़ा डिप्रेशन था, और बीच में एक थिंकिंग आती थी मेरे मन में कि यार ये हमेशा ऐसे हो रहा है, कल भी रिजेक्ट हुआ, परसों रिजेक्ट हुआ, अच्छा खासा मेरे हाथ में पैसा आने वाला था वो भी रिजेक्ट हो गया, यार ये ऐड आती थी तो मेरी लाइफ बनती थी, या फिर यार ये ऐड आती थी तो मेरा नाम होता था, मेरे शहर में नाम होता था, मेरे मॉम डैड खुश हो जाते थे, तो ये एक थिंकिंग ऐसी आती थी, और एक थिंकिंग ऐसी आती थी कि यार हमेशा ऐसे ही हो रहा है तो नहीं यार एक काम करते हम वापस चले जाते हैं कुछ और करते हैं, क्योंकि जॉब करने से क्या होता है कि हर महीने हमें पेमेंट मिलता है, कुछ ना कुछ काम करने से हमें कुछ ना कुछ पैसे मिलता है, तब जाके सब लोग खुश रहेंगे, तो ये थिंकिंग ऐसी आती थी कि वापस चले जाओ। तो ये दोनों थिंकिंग के बीच में मैं रहता था, तो ऐसा करूँ क्या, ऐसा करूँ, तो मैं समझता नहीं था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कि सबके लाइफ में होता है, मेरे भी लाइफ में हुआ है, शायद मुझे लगता है कि जितने भी लोग देखेंगे उनके लाइफ में भी होता है कि यार काम मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो उस टाइम क्या करें, उस टाइम फिर थिंकिंग हमारी चेंज होती है, तो सिचुएशन के हिसाब से हमारी थिंकिंग चेंज होती है कि काम करूँ या नहीं करूँ, यार ये 2 महीने पहले मैंने काम किया था, अभी तो काम मिला नहीं है, तो अब क्या करूँ मैं, अभी अगले महीने का रेंट कैसे पे करूँ, अगले महीने में कैसे बताऊँ कि मैंने इतना पैसे कमाया, अरे मेरा दोस्त तो यार 50,000 रुपये कमा रहा है, इस महीने तो मैंने कमाया नहीं है, तो थिंकिंग तो एक नहीं है, हजारों थिंकिंग है। तो इसका मतलब ये कहना है कि 100 हमारे सिलेक्शन होते हैं तो हमारे हजारों रिजेक्शन भी होते हैं, तो उसको सहना पड़ेगा, उसका हमारे मन के अंदर, हमारे दिल के अंदर वो चीज बना के रखनी पड़ेगी कि मेरा इतनी बार रिजेक्शन होने वाला है और इतनी बार सिलेक्शन होने वाला है, तो वो पहले हमारे अंदर वो बना के रखना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा, तब जाके हम गिव अप नहीं करेंगे उसको, फिर करते रहेंगे करते रहेंगे। इसलिए तो मैं 12 साल से कर रहा हूँ,
मुझे पता नहीं क्या, मुझे भी पता है कि यार मेरे अंदर इतने सारी चीजें हैं, खामियां भी है, अच्छी वाली भी चीजें, बट इतनी भी खामियां नहीं कि यार वो आप मेरे से मेरे साथ शूट भी नहीं कर सकते, इतनी भी खामियां नहीं कि इतनी खामियां है मेरे अंदर, ऐसे भी नहीं है, इतना भी मैं बुरा नहीं हूँ। और मुझे ये भी पता है कि यार कौन सी चीज मुझे करनी चाहिए और कौन सी चीज मुझे नहीं करनी चाहिए। मैं सबके साथ जितने साथ मैंने आज तक रिलेशन बनाए, तो मैंने सबके साथ स्माइल करके सबके साथ अच्छे से रिलेशन बनाए, और बहुत लोगों को मैंने सॉरी भी बोल चुका हूँ कि सॉरी यार मैं काम नहीं कर सकता, मैं ये काम मुझे पसंद नहीं है तो ये काम भी नहीं कर सकता, यार अच्छा काम होगा तो मैं पक्का करूंगा, सॉरी भी बोला है, थैंक यू बोला है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर एक चीज की, हर एक लोगों की, और जो मुझसे जुड़ते हैं, मैंने जितने मैंने कॉन्टेक्ट्स बनाए विनय, मैं एक कॉन्टेक्ट मेरे पास नहीं था, आज मेरे पास इतने सारे कॉन्टेक्ट्स है, चलो मैं काम नहीं कर चुका, मैं इतना फेमस नहीं हूँ, मैं चाहे कुछ भी नहीं हूँ, चलो कोई बात नहीं है, बट मैंने कॉन्टेक्ट्स कमा के रखे, मैंने हर प्रोडक्शन हाउस में मेरा ऑडिशन का वीडियो मैंने वहां पे दे के रखे, तो इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ किया है। हर प्रोडक्शन हाउस में हर कास्टिंग डायरेक्टर के जबान पर सचिन दानाई का नाम तो हो गया होगा, चाहे मेरा सिलेक्शन नहीं भी हुआ होगा, तो मैंने कुछ ना कुछ इंसानियत तो कमाई, मैंने कमाई है, मैंने काम तो नहीं किया, चलो ठीक है, मैं कभी जिंदगी में आगे चल के कभी कुछ हो गया मुझे, तो मैंने कुछ ना कुछ अच्छा काम करके रिलेशन बना के तो मैं जिंदगी जी रहा हूँ, ये तो मैं बोल सकता हूँ, मैं इज्जत के साथ और रिस्पेक्ट के साथ मैं बोल सकता हूँ, हक के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने कमाया है ये, मैंने किसी का झगड़ा करके, इंसल्ट करके, झूठ बोल के, चुगली करके, गाली गलौज करके, ये सब मैंने कमाया नहीं आज तक, तो ये मैंने कुछ अच्छी चीजें करके कमाई है, चाहे मैं काम करूं या ना करूं, बट मैं इतना मैं बोलना चाहता हूं कि आगे चल के मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं काम करते रहूंगा जिंदगी में, मैं आज नहीं कल नहीं परसों नहीं 2-4 नहीं 10 साल के बाद मैं काम करूंगा, बट मैं हारूंगा नहीं, खामियां को दूर करूंगा और काम करूंगा, मीन्स काम करूंगा, मुझे इंडस्ट्री में रहना है और मुझे पेशेंस के साथ रहना है, प्रिपेयर करके रहना है, अभी तो मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने इतने सालों से 12 सालों से हूं इसका मतलब मैं बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ, बहुत प्रिपेयर करके बैठा हूँ, ऐसा नहीं है, रोज नई नई चीजें निकल के आती है लाइफ में, उसको भी तो हैंडल करना पड़ता है, उस चीज की हमें आदत नहीं होती है, उसकी आदत बनानी पड़ती है, तो वो भी चीज मैं सीख रहा हूं, तो इसलिए ऐसा मैटर नहीं करता कि 12 साल मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि आप दिन पर दिन उस चीज को कितना स्ट्रांग कर रहे हो और उस चीज को कितना आप स्माइली करके ले रहे हो, चीज को हैप्पी करके ले रहे हो, नहीं तो टेंशन डिप्रेशन लेके ले लोगे आप उस चीज को, तो फिर आप आगे कभी नहीं बढ़ोगे, फिर उस चीज का सामना करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज सचिन बताई आपने कि हमें ये दिखता है कि बहुत बड़ी बड़ी एड में हमने सचिन को देखा, 100 एड के लिए 8,000 ऑडिशन दिए है, इट्स नॉट अ जोक, क्योंकि हर ऑडिशन को बंदा एक उम्मीद के साथ जाता है, अरे यार एक थोड़ा बहुत मेकअप करने के बाद अगर वीडियो अच्छे से शूट नहीं हुआ तो ऐसा लगता है कि दिन वेस्ट हो गया, और यहाँ पर 8,000 ऑडिशन देना और वो भी मुंबई में रह के, वो भी फैमिली ना होते हुए, और वो भी खुद खाना बनाना, खुद सब चीजें करना, वर्कआउट करना, अपना ख्याल रखना, तो ये एक मतलब असली विनर का ये साइन है। हमारे सब्सक्राइबर के लिए भी मैं शायद ये वीडियो अपलोड करूंगा, तो ये सच में जैसे हम दोनों तो अपने आपस में बात कर रहे थे, लेकिन इतना रिजेक्शन फेस करना और उस रिजेक्शन के बाद एक ऑडिशन देना, फिर वेट करना कि सिलेक्शन हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके बाद फिर से नए ऑडिशन के लिए अगले दिन फिर से निकल जाना उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ, फिर कुछ काम करना, उसके बाद एक ब्रेक आता है, फिर काम मिलना बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जो रूटीन है तुम्हारा, वर्कआउट करना, ऑडिशन देना, लोगों से मिलना, कॉन्टैक्ट बनाना, वो उसको ना रोकते हुए इतने साल तक कंटिन्यूटी मेंटेन रखते हुए काम करना बहुत बड़ी बात है सचिन, और ये हर किसी के बस की बात नहीं है, जो कंटिन्यूटी तुमने मेंटेन रखी है ना उसका तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि एक ऐसा इंसान मेरे कॉन्टेक्ट में है, मेरा दोस्त है, कि जो पिछले 12 साल से ना थका ना रुका, इज अनस्टॉपेबल, और अभी जो बोला ना कि ना मैं रुकूंगा ना मैं थकूंगा और मैं आगे बढ़ते रहूंगा, एंड आपके पेरेंट्स या दोस्त हम सब लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि ना कोई तुम्हें शराब की लत है, ना सिगरेट की लत है, ना कुछ बाकी चीजें है, यू आर फोकसिंग ऑन योर वर्क फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स, तो दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती सचिन, शायद भगवान चाहता है कि इस बंदे को थोड़ी तकलीफ देकर ऐसे मकाम पर मैं लेकर आऊंगा कि उसके बाद उसको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन मैं चाहूंगा कि यह जज्बा हर इंसान में हो। बहुत सारे लोग
रिजेक्शन से डर जाते हैं, बहुत सारे लोग हार मानते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो उन सबके लिए, खासतौर से एक्ट्रेस के लिए, तुम एक बहुत अच्छे रोल मॉडल हो। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी से प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। 8,000 ऑडिशन किसको बोलते हैं यार सचिन, मैं भी मुंबई में रहता हूँ, इट्स नॉट अ जोक यार। 8,000 बाय द वे आपके सामने भी मैंने कितने ऑडिशन दिए। हाँ दिए, कितने अच्छे अच्छे ऑडिशन, कितने अच्छे अच्छे ऑडिशन दिए, वो मैंने शूट किया नहीं है, वो रिजेक्ट नहीं हुआ है उसका। आपके सामने मैंने क्रिकेट का एक ऑडिशन दिया था, याद है आपको, आईपीएल का कुछ दिया था मैंने। हाँ, हम लोग साथ में थे ना। तो क्या हुआ उसका दोस्तों? ये कुछ नहीं हुआ। जो एक्चुअली जो चीजें अभी शेयर की ना सचिन, ये ट्रूथ है, ये असली सच्चाई है बॉलीवुड की और एक्टर की। बहुत सारे लोग मानते हैं कि नसीब होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, नसीब भी होना चाहिए, लेकिन अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ जो टिककर तुमने काम किया, इसीलिए आज तुम स्टिल बॉलीवुड में, इंडस्ट्री में टिके हुए हो। एक नाम है सचिन दनई का, एक नाम है, और नाम काम से बनाया हुआ है। सो जो भी आना चाहते हैं यार बॉलीवुड में एक्टिंग मॉडलिंग में, तो ध्यान रखिए कि आप 8,000 ऑडिशन को फेस करने के बाद भी आप सचिन दनई की तरह अगर खड़े हो सकते हैं, छाती ठोक के बोल सकते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री पे आज भी काम करूंगा, राज करूंगा और मैं रुकूंगा नहीं, तो ये इंडस्ट्री आपकी है। और 2, 4, 5, 6, 10 काम ना मिलने की वजह से और छोटा मोटा रिजेक्शन फेस करके अगर आप हार मान रहे हो, तो बॉलीवुड एक्टिंग इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री आपके लिए है ही नहीं। आने का सोच रहे हैं तो आइए भी मत।